नमस्कार, मैं हूं मनीषा झा, आप देख रहे हैं एबीएनएन न्यूज। दिल्ली वासियों को जल्द ही प्रदूषण से कुछ हद तक छुटकारा मिलने वाला है। दरअसल प्रदूषण रोकने वाला पहला स्मॉग टावर बनकर तैयार हो चुका है। ये स्मॉग टावर 1 किलोमीटर की सर्कमफेरेंस तक हवा साफ करेगा, साथ ही ये मानसून के बाद पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। बता दें कि कनॉट प्लेस में लगाया जा रहा है ये स्मॉग टावर देश का पहला स्मॉग टावर होगा। ऐसे में पूरे दिल्ली के प्रदूषण पर स्मॉग टावर का क्या प्रभाव पड़ता है, ये काफी मायने रखने वाला है। दरअसल पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने गुरुवार को स्मॉग टावर के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि 25 मीटर ऊंचा ये टावर अपने आसपास के 1 किलोमीटर की सर्कमफेरेंस में हवा की क्वालिटी सुधारने का काम करेगा, साथ ही ये मानसून के बाद पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर देगा। गोपाल राय ने आगे बताया कि दिल्ली के अंदर प्रदूषण के खिलाफ सीएम केजरीवाल के नेतृत्व में 10 सूत्रीय एक्शन प्लान पर काम हो रहा है। दिल्ली के अंदर पहली बार स्मॉग टावर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अगर स्मॉग टावर लगाने का ये प्लान सफल होता है तो और भी जगह इसी तरीके के स्मॉग कंट्रोल टावर लगाए जा सकते हैं। उन्होंने आगे बताया कि 20 करोड़ की लागत से तैयार हुए इस टावर की ऊंचाई 25 मीटर है, जो हर सेकेंड 1000 घन मीटर हवा को साफ करके बाहर छोड़ेगा। हालांकि इस तरह का स्मॉग टावर चाइना में भी लगाया गया है, लेकिन चीन हमारे यहाँ लगे टावर के रिवर्स टेक्नोलॉजी पर काम करेगा। साथ ही स्मॉग टावर लगाने की परियोजना पर IIT दिल्ली और IIT बॉम्बे मिलकर काम कर रहे हैं। इन संस्थाओं को स्मॉग टावर के प्रभाव पर स्टडी करने की जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि दिल्ली सरकार कनॉट प्लेस में स्मॉग टावर लगाए और दूसरा स्मॉग टावर केंद्र सरकार आनंद विहार बस अड्डे के पास लगाए, क्योंकि आनंद विहार इलाके में सबसे ज्यादा प्रदूषण की समस्या देखी जाती है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबीएनएन न्यूज के साथ।